हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेलकम गुरुजी चैनल पर। मेरा नाम है जगजीत, आप सबका दोस्तों इस चैनल का होस्ट। दोस्तों अगर आपने अभी अभी MI बॉक्स 4K या फिर MI टीवी स्टिक को परचेज किया है तो हो सकता है आपको इसका रिमोट चलाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा हो। तो दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको MI टीवी स्टिक या फिर MI बॉक्स 4K के रिमोट की पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि आप कैसे इस रिमोट को बड़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं, फिर वो चाहे गूगल असिस्टेंट हो, वॉइस सर्च हो। और साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि अगर आपका यह रिमोट गुम हो जाता है या फिर बच्चों के द्वारा कहीं पर छुपा दिया जाता है या फिर इसकी बैटरीज ख़त्म हो जाती हैं, तब आप इस रिमोट के बगैर कैसे अपने MI बॉक्स 4K या फिर MI टीवी स्टिक को बड़ी आसानी से यूज़ कर पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो सके। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो ज्यादा देरी ना करते हुए दोस्तों जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर मेरे पास दो रिमोट हैं। जो ये लेफ्ट वाला रिमोट है ये है MI टीवी स्टिक का, और जो ये राइट वाला रिमोट है ये है MI बॉक्स 4K का। तो दोनों ही रिमोट बिल्कुल सेम है, किसी भी तरह का दोनों रिमोट में कोई अंतर नहीं है। फ़र्क बस थोड़ा सा बटन के कलर्स का, आप यहाँ देख सकते हैं ये जो बटन के कलर्स हैं ये वाइट कलर के हैं, और ये जो इधर वाले रिमोट के बटन कलर्स हैं ये ब्लैक वाले हैं। तो फंक्शन दोनों के सेम है। तो इस वीडियो में मैं MI बॉक्स 4K का रिमोट का यूज़ करने वाला हूँ, लेकिन सेम ही फंक्शन आपको MI टीवी स्टिक में भी मिलेंगे। तो दोस्तों जो सबसे पहला बटन हमें इस MI बॉक्स 4K या फिर MI टीवी स्टिक के रिमोट में मिलता है वो है पावर ऑन ऑफ का बटन। तो जैसे ही हम इस पावर ऑन ऑफ के बटन को प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे जो टीवी की स्क्रीन है वो बंद हो चुकी है। लेकिन ये पावर ऑन ऑफ का बटन नहीं है दोस्तों, एक तरह से ये स्लीप का बटन है। मतलब कि जैसे आप इसको प्रेस करेंगे आपका जो MI बॉक्स 4K या फिर MI टीवी स्टिक है वो स्लीप मोड में चली जाएगी, लेकिन इसमें से पावर ख़त्म नहीं होगा। अगर आप इसको बिल्कुल ही पावर ख़त्म करना चाहते हैं तो आपको पावर प्लग से ही ऑफ करना पड़ेगा। उसके बाद जो दूसरा बटन है वो है गूगल असिस्टेंट या फिर वॉइस सर्च का बटन। आप देख सकते हैं यहाँ पर जब भी हम इसको प्रेस करेंगे तो टीवी की स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज फ्लैश होगा, ट्राई सेइंग। तो जो भी आप यहाँ पर बोलेंगे वही सेम आपका सर्च रिजल्ट्स आ जाएगा। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर आज की लेटेस्ट वेदर चेक करना चाहता हूँ, तो मैं इस बटन को दबाकर बोलूँगा हाउस द वेदर इन चंडीगढ़। तो अभी आप देख सकते हैं जो चंडीगढ़ की वेदर वो यहाँ पर शो हो रही है। तो ऐसे करके आप और भी सवाल इस MI बॉक्स 4K या फिर MI टीवी स्टिक से पूछ सकते हैं। ओपन यूट्यूब, तो ऐसे करके आप कोई भी ऐप अपने MI बॉक्स 4K या फिर MI टीवी स्टिक में चला सकते हैं। जैसे कि अभी देख सकते हैं मैंने ओपन यूट्यूब के लिए बोला था, तो अभी हमारी जो यूट्यूब है यहाँ पर ओपन हो रही है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों आप, हमारी यूट्यूब यहाँ पर ओपन हो चुकी है। जो भी वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं यहाँ से देख सकते हैं, आप चाहें तो ऊपर सर्च पर क्लिक करके सर्च भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो अगला बटन है वो है डायरेक्शंस का बटन। इस बटन को यूज़ करके आप अपने कर्सर को लेफ्ट राइट या फिर अप डाउन कर सकते हैं। मान लीजिए इस बटन को आप दबाएंगे तो आप डाउन होते चले जाएंगे, और आप इसको दबाएंगे तो आप अप होते चले जाएंगे। अगर आप इस बटन को दबाएंगे तो आप लेफ्ट आएंगे, और अगर इसको भी दबाएंगे तो आप राइट आएंगे। तो इस तरह ये हमारा डायरेक्शन का बटन है। इसके अलावा जो ये सेंटर का बटन है दोस्तों, ये है ओके का बटन। अगर आप इसको किसी भी ऐप के ऊपर लेकर जाएंगे और ओके का बटन दबाएंगे तो ये ऐप हमारी ओपन हो जाएगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारे चार बटन यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं। ये डायरेक्शन का बटन है, ये ओके का है, ये गूगल असिस्टेंट का बटन है, और ये पावर ऑन ऑफ का बटन है। उसके बाद जो हमारा अगला बटन है दोस्तों, ये जो आप लेफ्ट साइड में देख रहे हो ये है ऐप्स का बटन। जैसे आप इसको प्रेस करेंगे तो ऐप्स की लिस्ट आपके साइड में ओपन हो जाएगी। आप कहीं पर भी किसी भी एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हो, जब भी आपको कोई और एप्लीकेशन में जाना होगा तो आप इस ऐप्स के बटन को दबाकर उस एप्लीकेशन में जा सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर Z5 को यूज़ कर रहा हूँ, और इस एप्लीकेशन में से मैं जियो टीवी में जाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर ऐप्स का बटन दबाऊँगा तो ऐप्स की लिस्ट यहाँ पर खुल जाएगी, और उसके बाद मैं डायरेक्ट यहाँ से जियो टीवी के अंदर ओके का बटन दबाकर जा सकता हूँ। तो इस तरह करके अगर आपने ऐप्स के अंदर इधर उधर जाना है तो आप इस बटन का यूज़ करके जा सकते हैं। मान लीजिए मैं जियो टीवी में से फिर से Z5 में जाना चाहता हूँ, तो मैं इसको फिर से प्रेस करूँगा और यहाँ पर मैं Z5 को सिलेक्ट करूँगा और मैं Z5 के अंदर फिर से आ जाऊँगा। उसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला बटन है वो है बैक का बटन। मान लीजिए आपने कोई भी ऐप को ओपन किया, जैसे अभी हमारा Z5 ओपन है, तो मैं जब इसको प्रेस करूँगा
तो हम इसमें से बैक होते चले जाएंगे, यानी कि एक एक जो आपने एक्शन किया था उसको ये बैक कर देगा। तो इस तरह मान लीजिए आपने कोई भी एक्शन किया है, मान लीजिए आपने किसी चैनल को ओपन किया है तो आप उसको बैक करना चाहते हैं, तो आप इस बैक के बटन को दबाकर वहां से वापस जा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला बटन है वो है होम बटन। ये जो राउंड वाला बटन देख रहे हो ये हमारा होम बटन है। मान लीजिए आपने यहाँ पर G5 को ही ओपन किया हुआ है और अब आप एकदम से होम पर जाना चाहते हो। मान लीजिए आपका इंटरनेट खत्म हो गया है और आपको दूसरे वाईफाई के साथ अपने MI बॉक्स 4 के या फिर MI TV स्टिक को कनेक्ट करना है, तो आप अपने प्रोग्राम को बंद नहीं करना चाहते हैं, तो आप इस होम के बटन को दबाकर मेन स्क्रीन पर आ जाएंगे, यानी कि होम स्क्रीन पर आ जाएंगे, और यहां से आप डायरेक्ट सेटिंग में जाकर कोई भी सेटिंग यूज कर सकते हैं। और यहां से वापस आकर अगर आप फिर से G5 को ओपन करेंगे तो आप डायरेक्टली उसी स्टेज पर वापस जाएंगे जहां से आपने G5 को बंद किया था। तो यानी कि ये आपका होम बटन इसी काम आता है कि आप एकदम से होम स्क्रीन पर जा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे जो अगले बटन है वो है नेटफ्लिक्स का और प्राइम वीडियो का। नेटफ्लिक्स के बटन का तो आपको पता है, जैसे कि हम इसको प्रेस करेंगे तो नेटफ्लिक्स हमारा स्टार्ट हो जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पर हमारा नेटफ्लिक्स स्टार्ट हो चुका है। ऐसे ही अगर हम इसको होम पर जाना चाहेंगे तो हम यहाँ से होम के बटन को प्रेस करेंगे तो हम होम पर आ जाएंगे। उसके बाद हमारा जो अगला बटन है वो है प्राइम वीडियो का। जैसे ही आप इस प्राइम वीडियो बटन को प्रेस करेंगे तो जो प्राइम वीडियो की ऐप है वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्राइम वीडियो ऐप स्टार्ट हो चुकी है। तो इन दोनों बटनों का फ़ायदा तो तब है अगर आपने नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो की सब्सक्रिप्शन ले रखी है। अगर नहीं ले रखी है तो आप इन दोनों एप्लीकेशंस को सेटिंग्स में जाकर डिसेबल भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे जो अगले बटन है वो है वॉल्यूम अप का और वॉल्यूम डाउन का। अगर आप वॉल्यूम अप के बटन को प्रेस करेंगे तो आपकी जो वॉल्यूम है वो अप हो जाएगी, और अगर आप वॉल्यूम डाउन के बटन को प्रेस करेंगे तो आपकी वॉल्यूम जो है वो डाउन हो जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों हमारा ये पूरा रिमोट काम करता है। तो अभी मैंने आपको सारे बटन्स का यहाँ पर ओवरव्यू दे दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका ये रिमोट ही गुम हो जाता है तो आप कैसे अपने MI TV स्टिक या फिर MI बॉक्स 4 को यूज़ करोगे। तो दोस्तों आपको सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर गूगल प्ले स्टोर को ओपन करना है और यहाँ पर आपने टाइप करना है एंड्रॉयड TV रिमोट। तो जैसे ही आप इस एंड्रॉयड TV रिमोट को टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको ऐप्स की लिस्ट आ जाएगी, और आप यहाँ पर देख सकते हैं गूगल के द्वारा जो ऐप है एंड्रॉयड TV रिमोट कंट्रोल, आपने इसको इंस्टॉल कर लेना। मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है तो मैं यहाँ से इसको ओपन कर लेता हूँ। आपकी भी एप्लीकेशन जैसे ही इंस्टॉल हो जाए आप भी इसको ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आपने एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है, और एक बार आपने फिर से कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यहाँ से आपसे इस एप्लीकेशन के द्वारा कुछ परमिशंस मांगी जाएंगी, आपने अलाउ कर देना है, और उसके बाद आपने अपना ब्लूटूथ ऑन कर लेना है। ब्लूटूथ ऑन करने के बाद आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर MI बॉक्स 4 के या फिर MI TV स्टिक जो भी आप यूज़ कर रहे होंगे वो आपको नज़र आ जाएगा। आपने उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपके मोबाइल के ऊपर एक मैसेज आएगा जिसमें आपको ओके कर देना है, और साथ में आपको अपने इस रिमोट के साथ पेयर भी कर लेना है। ये आपको वन टाइम करना है, आपको बार बार इसको पेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट टाइम आप डायरेक्ट ब्लूटूथ ऑन करके भी इसको कनेक्टेड कर पाओगे। तो अभी आप देख सकते हैं हमारा ये जो रिमोट है वो इस MI बॉक्स 4K के साथ कनेक्टेड हो चुका है। अभी अगर मैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं ये डाउन का बटन प्रेस कर रहा हूँ तो ये डाउन हो रहा है, अगर मैं अप का बटन प्रेस कर रहा हूँ तो ये अप हो रहा है। ऐसे ही अगर मैं लेफ़्ट जाना चाहूँगा तो मैं लेफ़्ट भी जा रहा हूँ, अगर मैं राइट जाना चाहूँगा तो राइट जा सकता हूँ। अगर मान लीजिए मैं कोई ऐप ओपन करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से ओके का बटन प्रेस करूँगा तो ये ऐप भी ओपन हो जाएगी। नीचे के जो ये आप तीन बटन देख रहे हो ये यहाँ पर, अगर मैं इसको सेंटर पे प्रेस करूँगा तो मैं होम स्क्रीन पर आ जाऊँगा, और अगर यहाँ से मैं इसको फिर से कोई ऐप, मान लीजिए मैं कोई ऐप यहाँ पर ओपन करके दिखा देता हूँ, मान लीजिए मैं ये वाली ऐप ओपन कर लेता हूँ, अगर मैं इस बटन को यहाँ से प्रेस करूँगा तो ये हमारा बैक का बटन काम करेगा, तो यहाँ से मैं बैक आ जाऊँगा। और इस बटन का यूज़ करके आप अगर कोई YouTube वीडियो प्ले हो रहा है या फिर कोई मूवी प्ले हो रही है तो आप इसको यहाँ से प्ले और पॉज कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आप इस रिमोट के साथ गूगल असिस्टेंट का भी यूज़ कर सकते हैं। हम देख सकते हैं हमें टॉप के ऊपर यहाँ पर वॉइस रिमोट का जो ऑप्शन है यहाँ पर मिल रहा है। आप यहाँ पर इसको टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपसे पहले परमिशन मांगी जाएगी, आपने अलाउ कर देना है। उसके बाद जो भी आप इसके अंदर बोलेंगे वही कमांड ये MI बॉक्स 4K या फिर MI TV स्टिक ले लेगा। तो मान लीजिए मैं एक बार फिर से इस गूगल असिस्टेंट के बटन का यूज करके देखता हूँ, हाउ इज द वेदर इन चंडीगढ़।
तो भाई आप देख सकते हैं वही सेम रिजल्ट्स एक बार फिर से इस MI Box 4 के ने आपको दिखा दिए हैं। तो दोस्तों इस तरह अगर आपके MI Box 4 के या फिर MI TV Stick का रिमोट कहीं पर गुम हो जाता है या आप उसको कहीं पर रखकर भूल जाते हैं या बच्चों की तरह कहीं इधर उधर रख दिया जाता है, तो आप इस वर्चुअल ऐप को अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल करके अपने MI Box 4 के या फिर MI TV Stick को बड़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा डेमो कि आप MI TV Stick के या फिर MI Box 4 के रिमोट को कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।